हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं मेरा टाटा पंच का एयर फिल्टर चेंज करूँगा। ये है जो OEM ओरिजिनल ऑयल फिल्टर, दैट इज़ द थिंग। एंड इधर देखो प्राइसिंग जो लिखा है 509 रुपीज़। एंड मैं ये बुडमो से ऑर्डर किया था। ऑलमोस्ट डिलीवरी चार्ज एंड कुछ प्लेटफॉर्म फी वगैरह लेने के बाद ऑलमोस्ट ये चीज़ मुझको आया 590 रुपीज़ के आसपास। सो या चलो अभी मैं खुलता हूँ और देखो मेरा गाड़ी अभी जो है 9600 के आसपास चल चुका है। सो एयर फिल्टर उतना भी गंदा नहीं हुआ कि मैं एयर फिल्टर चेंज करूँ, लेकिन प्रिकॉशन के तरफ से मैं ये चीज़ चेंज कर रहा हूँ क्योंकि गाड़ी का 2 साल हो गया। सो अभी करना चाहिए। और जो है मैंने टाटा से सर्विस नहीं लिया, सो एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर इंजन ऑयल मैं बाहर से ही चेंज कर लिया। एयर फिल्टर मैं अभी खुद चेंज करूँगा। स्पार्क प्लग भी मैंने चेंज कर लिया, उसका भी वीडियो है। सो दैट इज़ द थिंग। एंड इसके बाद देखता हूँ और कुछ क्या काम है, अगर होगा तो 10,000 होने के बाद। और अभी जो है रेनी सीजन चल रहा है, सो ये रेनी सीजन के बाद एक बार मैं व्हील बैलेंसिंग यानी अलाइनमेंट भी कर लूँगा। सो चलो। तो बेसिकली पंच का जो एयर फिल्टर है इधर रहता है। मैं ये मेरा जो गाड़ी है 2022 मॉडल BS6, इसमें इधर रहता है। मतलब BS6 फेज 2 मेरा गाड़ी नहीं है। अगर BS6 फेज 2 होगा तो आई थिंक एयर फिल्टर का जो पोजीशन है वो चेंज होगा और शायद ये वाला एयर फिल्टर ना लगे आपको। अगर BS6 फेज 2 होगा तो आई थिंक इससे पहले मेरा मैंने एक जो शॉर्ट्स दिया था वो जो एयर फिल्टर है शायद वो लग सकता है, नहीं तो ये उसका एक्चुअली मुझको कुछ नॉलेज नहीं है, आपको वो चीज़ खुद देख लेना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो गाड़ी है BS6 नॉर्मल 2022 मॉडल का जो पहले का मतलब अप्रैल महीने का गाड़ी है, सो उसका जो एयर फिल्टर है ये वाला एयर फिल्टर है। सो चलो अभी खुलता हूँ। इधर 1 2 3 4 5 स्क्रू है और 8mm का जो है, ये देखो 8mm का जो स्क्रू है, तो 8mm का जो स्पैनर है वहाँ से ये चीज़ खुलेगा। सो चलो। सो पाँचों का जो स्क्रू है खुल के इधर रख के, एंड ये जो है ये एयर फिल्टर का बॉक्स देख लो, और इधर है जो पुराना ऑयल एयर फिल्टर, इसका कंडीशन देखो। मतलब उतना भी गंदा नहीं हुआ है, लेकिन चलो अभी मैं चेंज कर देता हूँ इसका। इधर देखो मैन्युफैक्चरिंग भी लिखा हुआ है 3/22। मेरा 3/22 का ही एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग है गाड़ी का। तो 3/22 का एयर फिल्टर है, ऑलमोस्ट 9600 चल चुका है ये एयर फिल्टर। सो यही है एयर फिल्टर का कंडीशन। अभी एक मैं थंबनेल ले लेता हूँ उसके बाद। तो एक बार जो ये जो एयर फिल्टर का बॉक्स है एक बार ये कपड़ा से क्लीन कर लेना है, उसके बाद जो नया वाला ऑयल एयर फिल्टर है, मतलब एयर फिल्टर की जगह मैं बार बार ऑयल फिल्टर बोल दे रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट थिंग। एंड ये जो एयर फिल्टर का बॉक्स है ये एक बार क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद जो नया वाला ऑयल फिल्टर लगा के जो ये वाला बॉक्स है ये लगा के स्क्रू टाइट, दैट्स इनफ, चीज क्लीन कर लूँगा। इधर से एक्चुअली देखो थ्रॉटल बॉडी पे जाएगा, मैं एक बार फ्लैश ऑन करके दिखा देता हूँ। इधर ही थ्रॉटल बॉडी है, इधर देखो गाड़ी का थ्रॉटल बॉडी एंड थ्रॉटल बॉडी का कंडीशन देखो एकदम ठीक ठाक है। मतलब डायरेक्ट इधर से ही जो है थ्रॉटल बॉडी पे जाता है यार। तो थ्रॉटल बॉडी का कंडीशन भी मैं देख लिया ठीक ठाक है, और आप खुद भी घर में ही देख सकते हो कैसे क्या है क्या नहीं। तो यह चलो अभी जो नया वाला ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर लगा देता हूँ। तो लगा के एकदम फाइनल फिट करके उसके बाद मैं दिखाऊँगा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपको स्पार्क प्लग चेंज करना है, ये तो एयर फिल्टर का बॉक्स मैं निकल दिया, एयर फिल्टर का ये वाला कैप आपको निकालना नहीं है, पूरा ये बॉक्स निकालना है। इधर ही आपका 3 सिलेंडर मिलेगा, उधर स्पार्क प्लग है। अगर आपके पास टूल होगा तो आप खुद ही चेंज कर लो, मतलब कर सकते हो। सो गाइज मेरा जो एयर फिल्टर है मतलब कम्प्लीट हो गया लगाना। एंड द थिंग इज़ कि एयर फिल्टर चेंज करना उनमें भी कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, 2-4 मिनट लगेगा, आप खुद ही चेंज कर सकते हो। तो ये है मतलब जो बेसिक प्रोसेस है मैं दिखा दिया। एंड अगर आप सर्विस सेंटर पे गाड़ी मतलब जो है ईयरली सर्विस नहीं कराओगे, तो अगर केस मेरी तरह है मतलब 2 साल ऑलमोस्ट 2.5 साल होने वाला है गाड़ी, 10,000 भी नहीं हुआ, अगर ऐसा केस है आपके पास तो आप बाहर, और एक्सटेंडेड वारंटी आप नहीं लोगे मतलब नहीं लिया है तो आप बाहर भी कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि इंजन ऑयल का जो ग्रेड है वो मतलब सही हो। पंच का जो है 0W20 इंजन ऑयल का जो ग्रेड है, आप मिनरल भी डाल सकते हो,
सेमी सिंथेटिक सिंथेटिक कोई भी डाल सकते हो, वो आपका जो है नीड के ऊपर एंड बेसिकली नीड नहीं, आपका प्राइस आपका बजट के ऊपर वो चीज़ डिपेंड करता है, लेकिन मेक श्योर कि जो ब्रेड है उस मतलब ठीक से डालो। और दो तीन चीज़ है जो चीज़ आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रेक ऑयल एक बार देख लो कूलन का लेवल, एंड जो है इधर है आपका डिश पैड, ये जो व्हील कवर है व्हील कवर निकल के आप देख सकते हो। लेकिन बेसिकली द थिंग इज़ अगर आपका गाड़ी 10-12 हज़ार चल रहे है, मतलब चला है, तो उसमें उतना कुछ ये सब चीज़ चेंज करने का ये मतलब ख़त्म हो जाने का कोई डर नहीं है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लो एक बार। और कूलेंट भी आप देख लेना, एयर फिल्टर आप चेंज कर लो और इंजन ऑयल तो आप चेंज करो ही। सो दैट्स द बेसिक थिंग वीडियो। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, इससे पहले वाला जो वीडियो मैं बनाया था उस टाइम पे मैं यदि मतलब बोला था जे अभी जो गैरेज पे मैं मेरा गाड़ी रखता हूँ, उससे पहले एक गैरेज पे मेरा गाड़ी था, उस टाइम पे भी मेरे साथ भी और एक पंच था। सो उन्होंने जब मैंने स्पार्क प्लग चेंज करने के लिए गया था लोकल मैकेनिक के पास, उन्होंने भी किया इंजन ऑयल चेंज करने के लिए, तो जो लोकल मैकेनिक है 5W30 इंजन ऑयल का बोतल लेके इंजन ऑयल डाल दिया। तो मैंने बोला कि वो पंच में जो है 0W20 होता है, ओनर मैनुअल पे भी लिखा है, गूगल पे भी लिखा है 5W30 आपको डालना नहीं चाहिए, लेकिन वो भी मतलब लोकल मैकेनिक का भरोसा ज़्यादा है उनका, तो उन्होंने तो 5W30 डाला, लेकिन 5W30 आप डाल सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले से तो पंच में जो है कोल्ड स्टार्ट में जाग देता है। आई थिंक जो 5W30 अगर इंजीनियर आप डालोगे इस गाड़ी पे, तो जो कोल्ड स्टार्ट वाला जो जार्किंग है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड वो इंजन ऑयल थोड़ा सा आई थिंक ठीक है, तो माइलेज भी आई थिंक ड्रॉप हो सकता ही नहीं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा जो गाड़ी का जो इंजन ऑयल का जो रिकमेंडेशन है, ऐसे 0W30 किसी गाड़ी का 5W30, मेरा जो वागाना था पुराना वाला उसमें 5W30 इंजन ऑयल का रिकमेंडेशन था, तो उस टाइम पे मैं डालता था कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस गाड़ी पे जैसा है ऐसा ही डालना चाहिए। अगर जो पीछे वाला नंबर मतलब 0W20 का जगह मैं 0W30 या 40 डालूँ तो आई थिंक उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन एक्सपर्ट तो यही बोलता है अगर आपका 0W20 है तो 0W30 तक आप डाल सकते हो, लेकिन ये नहीं कि 0W40 ऐसा कुछ डालो। बेसिकली द थिंग इज दैट, एंड जो पीच W का जो पहले वाला जो नंबर है वो आप मतलब बढ़ाओ मत घटाओ मत, वो चीज़ आप सेम रखो, लेकिन जो W का पीछे वाला नंबर है वो चीज़ आप बढ़ा सकते हो, इससे गाड़ी का जो है हीटिंग का जो प्रॉब्लम है थोड़ा घट जाएगा। दैट्स द थिंग, अगर 0W20 के जगह आप 0W30 डालोगे तो अच्छा होगा, लेकिन 5W30 नहीं। तो उन लोकल मैकेनिक ने डाल दिया, तो मैं क्या बोलूँ, मैं एक बार बोला कि ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन वो सुना नहीं तो मैं क्या करता हूँ, लेकिन हाँ। सो बेसिकली द थिंग इज ये कि इंजन ऑयल का जो रिकमेंडेशन है वही चीज़ आप डालो अगर गाड़ी आप बाहर से सर्विस करा रहे तो। ये एक छोटा सा बात था मैंने बोल दिया इस वीडियो पे, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्दी आंसर देने का। यही है एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर टाटा पंच का एयर फिल्टर रिप्लेस। सो चलो इसके बाद आई गेस अभी तो क्या है मतलब क्या वीडियो आएगा और कुछ पता नहीं, देखता हूँ क्या कुछ मैं वीडियो डाल पाता हूँ या टॉपिक पे। चलो एक्सप्लोरर इधर साइनिंग ऑफ, थैंक यू।